आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1000 kg बोट इज ट्रैवलिंग एट 90 km/h व्हेन इट्स इंजन इज शट ऑफ, यानी शट ऑफ होने से पहले पहले हमारे पास एक बोट है जिसका 1000 kg मास है और वो ट्रैवल कर रही है 90 km/h की स्पीड से, यानी ये मुझे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है बोट की जिससे वो ट्रैवल कर रही है। अब आगे हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स है बोट और वाटर के दरमियान वो प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ द बोट से, दैट इज 70 V, यानी कि एफ के जो है मेरा वो इक्वल है 70 V, वेयर V इज द बेसिकली वेलोसिटी। ओके, अब ये जो V है ये मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स में है मीटर पर सेकंड में, और ये जो एफ के है मेरे पास वो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स में है यानी कि न्यूटन्स में है। अब हमें क्या करना है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है उतना जो कि बोट की स्पीड को 45 km/h तक आने में लगेगा, यानी कि ये मुझे फाइनल वेलोसिटी गिवन है और मुझे ये पता करना है कि इस फाइनल वेलोसिटी तक यानी 45 km/h की स्पीड तक आने में बोट को कितना टाइम लगेगा। तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये गिवन है सिर्फ और सिर्फ कि जो मेरे पास नेट फोर्स है बोट के ऊपर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो कौन सी फोर्स मुझे गिवन है, वो गिवन है फ्रिक्शनल फोर्स जिसको मैंने यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, यानी बोट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स इस वक्त एक्ट कर रही है जो कि है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि जो ओवरऑल नेट फोर्स है बोट के ऊपर वो किसके इक्वल है, एफ के, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है उसके इक्वल है। अब क्योंकि हमारे पास बोट के ऊपर जो है वो फोर्स है तो ऑब्वियसली बोट में एक्सेलरेशन होगी और वो एक्सेलरेशन न्यूटन सेकेंड लॉ को ओबे करेगी, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि फोर्स और मास दोनों ही मेरे पास वेक्टर क्वांटिटीज है तो मैं इनके ऊपर ये साइन लगा देती हूँ। अब मेरे पास जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एफ के इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन को भी फिलहाल मैं एज इट इज लिख देती हूँ। अब आप ये देखें कि मेरे पास जो एफ के गिवन है वो मुझे गिवन है 70 V, यानी 70 V यानी इनिशियल स्पीड है ये गिवन है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एफ के की वैल्यू पुट करूँगी बट विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मैंने यहाँ पर क्यों लगाया है, उसका रीज़न ये है कि क्योंकि मेरे पास ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, इक्वल्स टू मास इनटू, अच्छा ये एक्सेलरेशन के ऊपर आपने ये वेक्टर का साइन लगाना है। एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी वी ओवर डी टी, इस तरह से मैं लिख सकती हूँ। सही है, अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए डेरिवेट करना पड़ेगा। डेरिवेट करने का रूल मेरे पास क्या होता है कि वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी की टर्म में लिख दूंगी और टाइम के साथ टाइम वाली टर्म लिख दूंगी, तो मैं टी डी टी को उधर ले जाती हूँ और ये जो वी है इसको मैं इधर ले आती हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस, यानी ओवरऑल जब मैं इक्वेशन को अरेंज कर लूँगी ये हो जाएगा माइनस 70 ओवर m डी टी इज इक्वल्स टू डी वी ओवर वी। ठीक है, ये मैंने इक्वेशन को क्या किया, ओवरऑल अरेंज कर लिया। अब क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है तो टाइम को मैं ज़ीरो से लेकर, यानी ज़ीरो मेरा इनिशियल टाइम है और विद रिस्पेक्ट टू टी यानी ये कोई सा भी टाइम स्पेंड हो सकता है जो कि अभी मुझे नहीं पता क्या है, ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वेलोसिटी को मैं कहाँ तक कर सकती हूँ, इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी यानी कि वी आई से लेके वी एफ तक मैं इसको क्या कर सकती हूँ, या इसको हम डायरेक्ट फाइनल वेलोसिटी को वी कह लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई कह लेते हैं। ठीक है, तो ये मुझे इंटीग्रेट करना है। अब जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगी तो माइनस 70 ओवर m तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन मेरे पास क्या आएगा, टी आएगा, कहाँ से लेके, ज़ीरो से लेके टी तक इज इक्वल्स टू, इसका मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास ln of v, और यहाँ पे मेरे पास अपर और लोअर लिमिट यानी कि वी आई टू वी वो लग जाएगी। ठीक है, देन अब हम यहाँ पे अपना फर्दर काम कर लेते हैं। अब आप ये देखें कि मेरे पास फर्दर जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो ये हो जाएगा माइनस 70 ओवर m एज इट इज़। अच्छा, अब ये मेरे पास सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है। ठीक है, और टी ज़ीरो से टी तक का आंसर जो आएगा आपके पास इंटीग्रेट करने पे यानी अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करने पे वो आएगा टी इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे जो एल एन ऑफ वी इंटीग्रेट करने पे वी आई टू वी आएगा वो आपके पास आएगा एल एन ऑफ वी माइनस एल एन ऑफ वी आई। ठीक है, अब इसको मैं फर्दर किस तरह लिख सकती हूँ, ये वाला साइड तो मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा, इसको मैं फर्दर इस तरह से लिख सकती हूँ एल एन ऑफ वी ओवर वी आई। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं एल एन
ये सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है इस वक्त मेरे पास, सही है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ से ये वाला टी फाइंड आउट करना है। अच्छा यहाँ पे यही सेम चीज़ आई हुई है, ठीक है। तो मुझे टी अगर फाइंड आउट करना है तो ये एम और माइनस 70 को मैं इस वाले साइड पे ले आऊँगी, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बच जाएगी, वो बच जाएगी टी इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ वी ओवर वी आई, ठीक है, इन टू मास उधर डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पे 70 जो था माइनस 70 वो क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टी की इक्वेशन आ चुकी है। अब मुझे सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और मुझे आंसर निकाल लेना है, तो मेरे पास सारी चीज़ें गिवन है, ये हो जाएगा एल एन। अच्छा अब मेरे पास फाइनल वेलोसिटी क्या है, 45 डिवाइडेड बाय इनिशियल वेलोसिटी मुझे कितनी गिवन थी, 90, इन टू मास मुझे कितना गिवन था भाई इसका, 1000 गिवन था बोट का मास, पर्सन में गिवन है ये मुझे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय माइनस 70 एज इट इज़ लिख दिया मैंने। अब जब मैं इन सारी चीज़ों को अपनी कैलकुलेटर में पुट करूँगी तो मेरे पास जो टाइम का आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा 9.9 सेकेंड्स के। अच्छा ये सॉरी 9 थोड़ा सा अजीब बन गया, बट एनीवेज 9.9 सेकेंड्स के इक्वल आएगा। सो गाइज ये हमारा आज की वीडियो का क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।